आईपीएल 2022 का रिडेंशन लिस्ट सभी टीम तो घोषणा कर ही दिया है और उसके साथ सनराइजर्स हैदराबाद भी अपना रिडेंशन लिस्ट घोषणा कर दिया है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जिन जिन खिलाड़ी को रिटेन किया है और सनराइजर्स हैदराबाद कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करने वाला है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, तो उसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। आप लोग जरूर से थंबनेल देखकर ही आए होंगे, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। और अगर मैं एक थोड़ा सा बात करूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 के ऊपर, लेकिन मैं समझा और कमेंट भी आ रहा था बहुत सारा कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद को और एक वीडियो बना दो जो कि रिटेंशन के बाद यूज हो सकता है टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट। तो उसी के वजह से ये वीडियो मैं वापस से बना रहा हूँ। जरूर से अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जो करना हो वो कर दीजिए, ठीक है, मैं और नहीं बताऊंगा। तो चलिए एकदम से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात बता दूंगा कि ये जो मैं लिस्ट बताऊंगा, इस लिस्ट में देखिए मैं बताऊंगा टारगेटेड लिस्ट, ठीक है, ये हो भी सकता है और बहुत सारा जगह पर नहीं भी लागू हो सकता है। तो उस पोजीशन पर आप देख लेना कि आपको कौन सा प्लेयर्स में जाना चाहिए। और इसी वजह से आप लोग ये नहीं बाद में बोलना कि भाई सही नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं टारगेटेड लिस्ट बना रहा हूँ और ऐसा अगर टारगेटेड लिस्ट बनाते हैं ना तो वो लोग मतलब डेफिनेटली एक बेहतरीन टीम बन सकता है। मैं जो बताऊंगा उससे आप देख ही लेना कि बेहतरीन टीम ही बन रहा होगा। उससे पहले तो और एक बात आप लोगों को जानना चाहिए कि ये जो टीम है ना सनराइजर्स हैदराबाद, इस टीम के पास कितना बैलेंस पर्स अवेलेबल है उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्वालिटी खिलाड़ी मतलब ले सकते हो अपने टीम में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सनराइजर हैदराबाद के पास ना टोटल 68 करोड़ रुपए है जो कि बहुत रुपए है, इसमें कोई भी दोराई नहीं है कि बहुत सारा पैसा है उनके पास, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर। क्योंकि अगर हम देखने जाए ना तो इस टीम के पास सेकेंड हाइस्ट सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे पहले पंजाब किंग्स, उसके बाद इस टीम के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो इस टीम के पास अच्छा खासा पैसा है, वो बहुत सारा खिलाड़ी को अच्छे तरह से खरीद सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टारगेटेड लिस्ट बताऊंगा और मैं प्लेइंग 11 के ऊपर ही बताऊंगा कि प्लेइंग 11 मैं रेडी करूंगा और उस पोजीशन के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी टारगेटेड होगा उसके बारे में ही बताऊंगा कि एक एक पोजीशन पे कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेकिन टारगेटेड लिस्ट बताने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो टीम है ना सनराइजर हैदराबाद, ये टीम तीन खिलाड़ी को रिटेन किया है। उनमें नाम है केन विलियमसन का, अब्दुल समद का और उमरान मलिक का। दो जो अब्दुल समद और उमरान मलिक है ना, ये दो खिलाड़ी को 4 करोड़ से खरीदा गया है और केन विलियमसन को खरीदा गया है 14 करोड़ रुपए से, जो कि देखिए एक अच्छा बाई है क्योंकि दो युवा खिलाड़ी के ऊपर हैदराबाद इन्वेस्ट किया है, तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है बाद में जाकर। क्योंकि देखिए अभी से जो रिपोर्ट आ रहा है ना कि ये जो मेगा ऑक्शन होने वाला है ना, ये लास्ट टाइम होने वाला है मेगा ऑक्शन आईपीएल में, क्योंकि इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑक्शन ही होगा और सभी टीम ट्रेडिंग करके ही अपना प्लेयर को लेंगे। तो इस जो मेगा ऑक्शन होने वाला है ना, सभी टीम के लिए एक फैसला करने वाला सीजन होगा, क्योंकि इस सीजन पे ही पता चल जाएगा कि आगे 5 सीजन के लिए कौन सा टीम कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो जरूर से एक युवा खिलाड़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है किसी भी टीम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते देख लेते। तो सबसे पहले देखिए दो ओपनर इस टीम को चाहिए, ठीक है, इस टीम के पास पैसा भी है, तो ये टीम सबसे पहले एक बेहतरीन विदेशी ओपनर को ले जो कि इस टीम के पास पहले से ही था, जॉनी बेयरस्टो को। मैं पहले भी बताया था कि जॉनी बेयरस्टो को जरूर से जरूर ले इस टीम, क्योंकि डेविड वॉर्नर इस टीम में नहीं रहेगा और अगर डेविड वॉर्नर ना रहता है ना तो जॉनी बेयरस्टो एक आपको परफेक्ट चॉइस दे सकता है जो कि आएगा और आकर तबाही करेगा। तो उस पोजीशन पर जॉनी बेयरस्टो परफेक्ट चॉइस है। उसके बाद में सेकंड ओपनर जिनको मैं इस टीम में देखना चाहूंगा तो वो होगा देवदत्त पाडिकल। मैं देवदत्त पाडिकल के ऊपर जाना चाहूंगा क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए ईशान किशन भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन देवदत्त पाडिकल ना एक बेहतरीन तरीके से डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि ये बंदा जो है ना आते ही तबाही नहीं करेगा। जॉनी बेयरस्टो अगर तबाही करता है मतलब आते ही लप्पेबाजी शुरू कर देता है, तो वहां पर मतलब देवदत्त पाडिकल आएगा और धीरे धीरे तरीके से मतलब पारी को संभालेगा। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है। तो उस पोजीशन पर ये दो ओपनर बेहतरीन हो सकता है। 3 नंबर पे केन विलियमसन, आप सभी लोगों को बताइए। 4 नंबर के पोजीशन पे इस टीम को चाहिए एक बेहतरीन तरीके से खेलने वाला 4 नंबर का खिलाड़ी। तो उस पोजीशन पर मैं इस टीम में रखना चाहूंगा अंबती रायडू को। मैं अंबती रायडू को ना इस टीम में देखना चाहूंगा, क्योंकि अंबती रायडू एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि 4 नंबर के पोजीशन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते मतलब खेल सकता है और सीएसके के लिए भी खेलता है ही। और देखिए सीएसके के टीम में अंबती रायडू को छोड़कर जो उस एज का खिलाड़ी जैसे कि एमएसडी रायना, उनका फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया है, लेकिन अंबती रायडू का डिप नहीं आया, तो आप अंबती रायडू को ले सकते हो क्योंकि ये बंदा 4 नंबर के पे अच्छा खेलेगा। और अगर आपके पार्टनर अच्छा हो मतलब केन विलियमसन जैसा अगर पार्टनर हो ना, तो
और भी बेहतरीन तरीके से खेलेगा, तो अंपति राय बेस्ट चॉइस हो सकता है। उसके बाद मैं बेसिकली इस टीम में 5 नंबर के पोजीशन पे ही अब्दुल समद को खिलाना चाहूंगा। अब्दुल समद के ऊपर मैं एक बात करूंगा कि ये बंदा जो है ना, इस बंदे के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत मतलब बड़ा कैलिबर का खिलाड़ी है, और ये बंदा अगर 5 नंबर पे खेले ना तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जब आता था ना पिछले साल 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आकर एक बंदा क्या अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो मैं बेसिकली ये देखना चाहूंगा इस बंदे को 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आए, अच्छा खेले मतलब, और सभी का दिल जीत ले। तो मैं ऐसा ही चाहूंगा कि 5 नंबर पे आए और खेले। और उसके बाद 6 नंबर के पोजीशन पे मैं देखना चाहूंगा इस टीम में एक बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी, जो कि होगा शाहरुख खान। मैं शाहरुख खान को देखना चाहूंगा इस टीम में, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन युवा खिलाड़ी है, और शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा दामों से बिकेगा, और हैदराबाद के पास पैसा भी है उनको खरीदने के लिए, तो इसी की वजह से हैदराबाद जाएगा शाहरुख खान के पास, इसमें कोई भी दौराय नहीं है, तो शाहरुख खान को वो उठा ले तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ऑब्लिक देखकर एक विदेशी खिलाड़ी को भी रखना चाहूंगा, जो कि एक ऑलराउंडर होगा। मैं उस पोजीशन पर, मैं 6 नंबर के पोजीशन पर रखना चाहूंगा मिचेल मार्श को। देखिए मिचेल मार्श भी बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है इस रीसेंट टाइम में, बहुत ही बढ़िया फॉर्म से जा रहा है, और अगर मिचेल मार्श को ले पाते हो, क्योंकि इस टीम के पास पहले से ही मिचेल मार्श था, 1 साल खेला था, तो उस जगह पर आप देख सकते हो मिचेल मार्श को, तो अच्छा चॉइस होगा। उसके बाद 7 नंबर के पोजीशन पे मैं देखना चाहूंगा एक ऑफ स्पिनर को, जो कि हो सकता है वाशिंगटन सुंदर, और मैं वाशिंगटन सुंदर को ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टीम के लिए, क्योंकि इस बंदे के पास जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर का खिलाड़ी है, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये बंदा आएगा और आपको एक भी ज्यादा रन नहीं खाएगा, ये सबसे बड़ा क्वालिटी इस बंदे के पास, और ये लास्ट में आकर थोड़ा सा शॉट भी खेल सकता है, तो इसके पास वो क्वालिटी भी है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर के पोजीशन की, तो 8 नंबर में ना मैं बेसिकली चाहूंगा, देखिए 8 नंबर में ये तो सभी बॉलर का पोजीशन है, ठीक है, मैं ये इधर पर चाहूंगा एक लेग स्पिनर, और यहाँ पर मैं 2 लेग स्पिनर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक होगा मुजीबुर रहमान, जो कि टीम के पास पहले से ही था, और हैदराबाद बेसिकली ना अफगानी स्पिनर के ऊपर मतलब जाता है, तो इसी की वजह से मुजीब अगर आ जाए तो आपको कोई भी हैरानी की बात नहीं, तो अगर मुजीब के ऊपर जाए तो अच्छा रहेगा, मुजीब को भी ले, और मैं चाहूंगा कि मुरुगन अश्विन को भी ले, क्योंकि देखिए चहल को नहीं मिलेगा, ये का राहुल चहर को भी नहीं मिलेगा आई थिंक, और अगर मिल जाता है राहुल चहर को तो वो एक अलग वाला रोल रहेगा, लेकिन अगर ना मिलता है तो आप मुरुगन अश्विन या फिर रवि बिश्नोई के ऊपर जरूर से जरूर जाइए, क्योंकि अगर आप रवि बिश्नोई के ऊपर जाते तो भी अच्छा होगा, मुरुगन अश्विन के ऊपर जाएंगे तो भी अच्छा होगा। आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए कि किन के ऊपर जाना चाहिए, तो ये तो मैं ऑप्शन रखूंगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे तो उमरान मल्लिक है ही, तो उनके पोजीशन को हम छोड़ देते हैं, और 2 खिलाड़ी उस जगह पर मैं एक भारतीय पेस गेंदबाज लेना चाहूंगा और एक विदेशी पेस गेंदबाज लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस टीम में कविशो रबाडा आए, क्योंकि कविशो रबाडा दिल्ली कैपिटल्स से छूट गया है, और दिल्ली कैपिटल्स तो उनको और नहीं भी मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली के पास उतना पैसा भी नहीं है कि बहुत दामों से खड़ी है, तो उसी उस पोजीशन पर मैं मतलब बेसिकली देखना चाहूंगा कि हैदराबाद जाए कविशो रबाडा के ऊपर, क्योंकि एक बेहतरीन पेसर आपके पास आ जाएगा, जो कि भाई 145 की गति से लगातार बॉल डालता है, तो उस पोजीशन पर अच्छा रहेगा कविशो रबाडा अगर आए। लास्टली मैं 10 नंबर के पोजीशन के लिए रखना चाहूंगा आवेश खान को। आवेश खान भी ना एक क्वालिटी गेंदबाज है, जो कि आपको फ्यूचर दे सकता है, और अगर आप आवेश खान के ऊपर ना जाए ना तो आप दीपक चाहर के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, आप अगर दीपक चाहर के पास जाए तो भी अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि दीपक चाहर के ऊपर जाइए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को काम लगाए। और लास्टली तो 11 नंबर उमरान मल्लिक में बताई, तो प्लेइंग 11 आप देखिए बेहतरीन प्लेइंग 11 है, और एक युवा प्लेइंग 11 है ना, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ दे सकता है। तो आप देखिए इस टीम में दिव्रत पाडिकल के साथ जॉनी बेस्ट ओपन करेगा, 3 नंबर पे केन विलियमसन, 4 नंबर पे अंपति रायडू, 5 नंबर पे अब्दुल समद, ठीक है, 6 नंबर पे मैं शाहरुख खान ऑब्लिक मिचेल मार्श को रखना चाहूंगा, 7 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर, 8 नंबर पे मुजीबुर रहमान के साथ मैं ऑब्लिक देकर रखना चाहूंगा रवि बिश्नोई को, और लास्टली 9, 10 और 11 पे मैं 3 पेसर रखना चाहूंगा कविशो रबाडा, दीपक चहर और उमरान मल्लिक। तो ये प्लेइंग 11 आप लोगों को कैसा लग रहा है वो जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, और ये एक प्लेइंग 11 ना मुझे फ्यूचर दिखता है इस प्लेइंग 11 के ऊपर, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये प्लेइंग 11 एक फ्यूचर के लिए बेहतरीन प्लेइंग 11 हो सकता है, जिसमें युवा खिलाड़ी भर भर के, ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर ऐसा प्लेइंग 11 आप रेडी कर लेते हो, आगे का 5-6 साल तो आप आंखें बंद करके ऐसा प्लेइंग 11 से खेल सकते हो। तो आप लोग इसके बारे में क्या है जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, और आप लोगों को मुताबिक कैसा प्लेइंग 11 होना चाहिए वो भी जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, जिसका कमेंट सबसे बेहतर होगा मतलब जिसका प्लेइंग 11 सबसे बेहतर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर रहेगा उनका कमेंट। तो जरूर से आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।